ये तो हाइट से हद भी पार हो गई। सॉलिड कंफ्यूजन हो गया यार, किसी के दिमाग में नहीं आया कि ऐसा कुछ होगा। बट यू डोंट वरी, गीत मम्मी से बात करने गई है। अरे उसे आते ही बोल देना चाहिए था। नॉनसेंस, सारे रस्म रिवाज तुम्हारे साथ हो रहे और मुझे यहां जबरदस्ती नहलाया जा रहा है। गीत, मैं उससे अभी बात करूंगा। अरे एक सेकंड यार, देखो इस वक्त तो बहुत सारे लोगों से घिरी हुई, मैं उसे अलग ले जाकर बात करूंगा। अंशुमन, यहां पर सब समझते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो, अगर तुम उसे अलग ले जाओगे तो सबको थोड़ा ऑड लगेगा। अरे उन्हें ऑड लगेगा तो लगने दो ऑड। सच तो वही है ना कि मैं और वो कपल है, और वही तो उन्हें बताना है। हाँ लेकिन उसको हैंडल करने दो यार, देखो सही तरह समझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फैमिली की बेइज्जती हो सकती है, बहुत सारे लोग आए हुए। ये साले लौंडे मुझे जबरदस्ती गन्ने के खेत दिखलाने ले जाना चाहते हैं। क्यों देखूं मैं गन्ने के खेत में? क्या खास बात है गन्ने के खेत में? नहीं देखना मुझे गन्ने के खेत। मत देखो यार, बिल्कुल मना कर दो तुम लोगों को, मत देखो। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, डोंट वरी। इंकल दसा, तेरा वाला मेरे वाले से बेटर है। लकी। अच्छा हुन दस, की गल है? देखो मम्मी, ये जो तुम लोग मैं जो बात करना चाहती हूँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सब अच्छा है। लेकिन यहाँ जो सब मैं थोड़ी देर ले जाती हूँ। हाँ बेटर, तू बहुत थक गई है ना, थोड़ी देर आराम कर ले, सो जा। होशियार, 17 तारीख यानी कि आज तो 2 दिन बाद गुरुद्वारे ने आनंद कारज की रसम पक्की कर दिती है। पता नहीं मम्मी से आसानी से बोल सकती थी, पापा को भी चांस भी मिला था, एक अजीब सा डर लग रहा था, बेचैनी सी, जैसे कि कुछ गलत हो रहा है, जैसे कोई ट्रेन छूट रही है। इधर 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 दिखा, क्या हुआ? ये क्या है? क्या ये इधर ऐसा इतना टेंशन वाला चेहरा है ना, तुझे बिल्कुल सूट नहीं करता, बहुत बुरी लगती है तू। तेरा वो वाला चेहरा है ना, ऐसा देखा, करेक्ट, ऐसे ठाए लगती है तू बिल्कुल। ऐसी ही रात है, अच्छी लगेगी तो अच्छा अच्छा होगा तेरे साथ, समझी? तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो गए हो। सुन, अंशुमन से बात कर ले, थोड़ा परेशान। मैं अंदर आ रही हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ एक मिनट बात कर। सॉरी, दादी जी ने कहा है ना, अनंत कारज के पहले 9 रात को साथ साथ। किसी ने तुम सबका नाम ठीक ही रखा है, साली। तुमने मेरे
मेरा दिल तोड़ा है जीजा जी, पूरी जिंदगी का पंगा लिया है मुझसे। चलगी ये भी है यहाँ पर की तो इसके सामने ही चुप कर। चीटिंग। बाय बाय जीजा जी, हैव अ गुड नाइट अपने फ्रेंड के साथ। गुड नाइट। क्या हुआ? गीत तुमसे मिलने आई थी, कह कर गई है सुबह मिलेगी। I'll see you, man. Hi. Hi. सुबह सुबह ready? बस थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। तुम जा रहे हो? जाना है। ये लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। इस बार मैं नहीं रोकूंगा गीत। He's waiting for you. Git! Git! Okay, Git. No tension, no problem. तूने अभी तक नहीं बताया? कोई बात नहीं, अब बता देंगे। मैं बोलता हूँ कैसे? देख, किसी एक को पकड़, जो पहले मिले। मम्मी, पापा, चाचा। और बोल हाँ मैं शादी करूंगी, आदित्य से नहीं अंशुमन से। सारा कार्यक्रम वैसे का वैसा ही चलेगा, सारा तामझाम वही, सब लोग उतने ही खुश रहो जितने हो। बस आदित्य को हटा के अंशुमन को ले आ। तू जैसे ये कहेगी वो तुझे 500 बेहतर सवाल पूछेंगे, अरे ये वो कैसे, तो तू जवाब दे कि हम कैसे मिले थे, कैसे मैं अपने दोस्त के साथ तेरे हॉस्टल तुझे मिलने आता, फिर हम कैसे अकेले। बेचैनी सी, जैसे कुछ गलत हो रहा है, जैसे कोई ट्रेन छूट रही है। क्या हुआ? क्या हुआ गीत? वो आ रहा है। कौन? अंशुमन।